अब भाई आ गया मैं एमजी के पवेलियन में। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाटा बगल में ही है और यहाँ पे एमजी है। वैसे इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, बाहर से प्रोडक्ट लेके आया है एमजी। ये एस्टर है, एस्टर तो वैसा ही है सेम जैसे इंडियन मार्केट में मिलता था, लेकिन भाई अब ओपन तो है, अंदर जाके दिखा नहीं सकते इसको, बंद है पब्लिक के लिए। ये AI इनसाइड, यहाँ पे कुछ खास चेंज है नहीं इसमें। ZS EV इसका दूसरा जो वेरिएंट आता था वो भाई मिलेगा उधर, वो वहाँ पे खड़ा है इलेक्ट्रिक वर्जन। ये है हेक्टर, नए वाली जो हेक्टर आई है वो है भाई। ये कितना बड़ा डिस्प्ले है भाई इसके अंदर, ये देखो। ये हेक्टर है यहाँ पे भाई। एक एक तो नहीं करूँगा कवर क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है, जो मार्केट में पहले आ रहे हैं वही हैं सारे। यहाँ पे ये हेक्टर थी जो फेसलिफ्ट आया है अभी, तो भाई फ्रंट से देखने में ना काफ़ी अच्छी लग रही है, पुराने वाली हेक्टर से ज़्यादा अपीलिंग है इसका जो फ्रंट दिया गया है यहाँ पे। देखो जो उसकी ग्रिल दी गई है ना क्रोम के साथ भाई, वो ज़बरदस्त लग रही है। नेक्स्ट जेन हेक्टर ये हो गई यहाँ पे। यहाँ पे इनका ये भाई मार्केट में आएगी या नहीं इंडियन मार्केट में वो कुछ कह नहीं सकते। ये है भाई MZ4 इलेक्ट्रिक है, देखो भाई है ये भी ज़बरदस्त, जैसे टाटा की अवन्या देखी ना आपने उसी टाइप से है, स्पोर्टी है और इलेक्ट्रिक है। सर भाई इसका गेट खुला हुआ है, ये यहाँ से दिखाता हूँ आपको। एक तो भीड़ यहाँ पे इतनी है ना, थोड़ा सा भाई ज़्यादा ही रोक टोक हो रही है। ये देखो भाई इस टाइप का इंटीरियर भाई इसका, देखने में तो अच्छा लग रहा है इंटीरियर। अब आएगा जब इंडियन मार्केट में तब देखो भाई कैसा होगा। MG सेवा, ये बाकी और प्रोडक्ट हैं MG के एक्सरसाइज वगैरह के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं ये। और भाई ये है ग्लोस्टर, ये दिखाया गया कि यहाँ पे जो ग्लोस्टर है उसके साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप से इसको दिखाया गया है भाई, पत्थरों के ऊपर चढ़ आ गए। ये एक और है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, डोर ओपन है तो उसका अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ। बीच में भाई डिस्प्ले देखो उसकी खतरनाक। और भाई ये इंडिया वाला नहीं है, बाहर से लेके आए हैं क्योंकि इसका स्टेयरिंग भी आपको दूसरी साइड मिलेगा, जो इंडियन प्रोडक्ट है उनका स्टेयरिंग इस साइड होता है। मार्वेल आर रिचार्ज योर से, प्रोडक्ट तो बहुत हैं भैया MG के पास लेकिन इंडियन मार्केट के लिए है नहीं कुछ इसमें। ये सारे मतलब एक टाइप से आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो इनको, आगे आने वाले टाइम पे आ सकता है ये इंडिया में कोई भी, मतलब जितने दिखाए हैं मैंने। EHS एक और है भैया, अंदर जाके नहीं दिखा सकता लेकिन उस साइड से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ से थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको इसका इंटीरियर, देखो भाई ज़बरदस्त है ना इंटीरियर इसका। डिज़ाइन के मामले में MG भाई
आगे है काफ़ी। यहाँ पे कुछ और है पुराने विंटेज कारें खड़ी है एमजी की, जैसे खड़ी है यहाँ पे। छोटी सी है मेरे नाम था उसका। ये है भाई इनका बैटरी पैक पूरा, जो गाड़ी के अंदर फिट होता है बैटरीज, और इसमें जो मोटर्स वगैरह लगती है वो है। एक ये खड़ी है भाई यहाँ पे, ये भी भाई देखने में तो खतरनाक लग रही है, डिज़ाइन ज़बरदस्त है भाई इसका। MG5 ये देखो भाई इस टाइप की है, फ्रंट लुक इसका भाई खतरनाक है। भीड़ भाई यहाँ पे भी बहुत है देखने वालों की। ये है भाई MG5। अब दिखाता हूँ आपको दूसरा प्रोडक्ट इसका। MG4 मैंने दिखा दी थी, वो है हेक्टर प्लस भाई वहाँ पे। अब हेक्टर आ गई है नहीं तो भाई हेक्टर प्लस भी आएगा, इसका जो नया वेरिएंट है। यहाँ पे दिखा दिया है MG ने इसको। सेम वैसी है जैसे मतलब हेक्टर थी, इसमें वही है, प्लस है तो दो सीट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, बाकी तो और कुछ खास चेंज इसमें नहीं मिलेगा। छोटा मोटा एक दो फीचर और होगा चेंज, वो भाई जब आएगी मार्केट में तब पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्लग इन हाइब्रिड ERX 5। डिज़ाइन भाई इसका भी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें लोगो वगैरह आपको चेंज मिलेगा। सारी बाहर से लाई गई है भाई गाड़ी है, इंडिया के लिए नहीं है अभी, फ्यूचर में कभी आएंगी तो वो देखो कब आएंगी। लेकिन ये देखो इसका इंटीरियर भाई यहाँ से, बीच में बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, पूरा भाई अलग है, ड्राइवर साइड का और पैसेंजर साइड का पूरा पार्ट अलग किया हुआ है। फ्रंट में इसमें लोगो भी चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये DRL इसकी ग्रिल में ही है अंदर भाई। डिज़ाइन तो भाई ख़तरनाक है, जब इसको आप देखोगे तब देखना। और रडार वगैरह इसमें मिल जाएगा, जो एडास फीचर है वो MG की सारी गाड़ियों में भाई मिल ही जाएगा लगभग, क्योंकि अब तो अपने टाटा भी देने लग गई हैरियर में, और सफारी में भी आ गया अब तो रडार फीचर। साइड से देखो भाई इसका इंटीरियर, अब एक प्रोडक्ट और बच गया इनका, जो ZS EV है वो वहाँ पे खड़ी है, वो दिखाता हूँ आपको कैसी है। MG Seva यहाँ पे भैया देखो ZS EV, ये तो है भाई इंडियन मार्केट में सेम वैसी ही है, लेकिन अब MG का प्रोडक्ट है तो भाई इसलिए यहाँ पे इसको भी शोकेस किया है MG ने। जो प्रोडक्ट है वो सारे MG लेके आया है इस साल एक्सपो में। बस भाई ये था MG का सारा कुछ मैंने दिखाई दिया। EMG 6 शायद ये नहीं दिखाई मैंने, ये और दिखा दो आपको एक बार। पूरी स्पोर्ट्स है भाई ये तो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है। जितने भी मैंने MG के प्रोडक्ट दिखाए हैं वो इंडिया के लिए नहीं है, जो इंडिया में हैं 2-3 प्रोडक्ट वही हैं बस, नया कुछ भी अभी नहीं आने वाला।
एमजी की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं कि भाई नया प्रोडक्ट कुछ आएगा मार्केट में। अब वैसे शोकेस कर दिया है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं भाई एमजी के पास, वो यहाँ पे पूरा दिखाया है। रियर प्रोफाइल देखो भाई इसका क्या ख़तरनाक है, स्पॉइलर वगैरह यहाँ पे साइड में एक्स लिखा गया है, EMG 6 गाड़ी का नाम है। एक्स पावर पीछे इसमें बैज मिल जाएगा। देखो भाई साइड से क्या खतरनाक लग रही है ना ये। ये इस टाइप के प्रोडक्ट जो इंडिया में आ जाए ना बस धूम मचेगी भाई। ये देखो भैया कि ये आप MPV वैन बोल सकते हैं इसको, MG की। और भाई ये भी फुल लग्जरी है। जैसे कार्निवल है किया की उसी टाइप से है ये भी, और भाई पूरा लग्जरी है। इंटीरियर भाई खतरनाक है इसमें भी। फ्रंट दिखाऊँ आपको इसका, ये देखो भाई कितना बड़ा है इसका जो फ्रंट है। अब इलेक्ट्रिक है तो इसमें आपको ग्रिल वगैरह नहीं मिलेगी, पूरा कवर मिलेगा आगे से, लेकिन है भाई बहुत बड़ा ये। खतरनाक है भाई। एक और पीछे है वहाँ पे, वो भी MPV टाइप से है, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको उसको जाके कैसा है वो। ये है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ है भाई ये वाला व्हीकल जो यहाँ पे है। फीचर्स वगैरह तो भाई MG के आपको पता ही है, होते हैं ज़बरदस्त, लेकिन गाड़ियाँ भाई वो भी ज़बरदस्त हैं, डिज़ाइन भी भाई ख़तरनाक है MG का। ये भी फुल लग्जरी है जैसे कार्निवल है वैसे ही, इससे पहले जो मैंने दिखाया था सेम वैसे ही है ये भी। देखो उसका इंटीरियर भाई, पीछे तो नहीं दिखा सकता क्योंकि खुला है और पीछे जा भी नहीं सकते, वहाँ पे रास्ता नहीं है। ये था भाई MG का पूरा जो जो यहाँ पे सेक्शन था MG के पवेलियन में, और कोई व्हीकल नहीं है, बस यही थे। अब चलते हैं किसी दूसरे में, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ क्या कुछ और प्रोडक्ट हैं हमारे लिए देखने के लिए, यानी कि ख़रीदने के लिए तो नहीं है भाई ये, क्योंकि अब मार्केट में पता नहीं कब तक आएंगे। ज़्यादातर या तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे या फिर बाहर से लेके आई गई गाड़ियाँ हैं, बाकी तो और नया तो नहीं है यहाँ पे कुछ। बस भाई MG में इतना ही था, अब चलते हैं किसी दूसरे में।